इंट्रोडक्शन देने या फिर इंट्रोडक्शन। तो आज हम देखते हैं होता है या नहीं होता है, हम तो रोज़ ही निकल जाते हैं बट कुछ होता नहीं है, बस सिर्फ ईमेल या फिर कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है, कोई नहीं उतना ही काफ़ी है। सो आज मैं लेट हो गई क्योंकि मैंने वीडियो एडिट करके अभी डाली, अपलोडिंग पे लगी हुई है, थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी 6th डे वाली वीडियो। और आज है मेरा मुंबई में 8th डे, आज ही के दिन हम आए थे यहाँ पे मुंबई में। चलिए फिर चलते हैं, देखते हैं कौन सा प्रोडक्शन हाउस हमें इजीली मिल जाता है। बड़ी चौड़ी चौड़ी है यहाँ की, बड़ी बड़ी ईंट है। सुबह विलेज का बस स्टॉप, यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं बस के लिए, और बस स्टॉप पे ही यहाँ पे बस रुकती है, आगे पीछे 400 कदम की दूरी पे भी नहीं रुकती है बस। तो आज हम बस से ट्रैवल करेंगे ताकि हमारा खर्चा निकल जाए खाने पीने का। 30 रुपीज़ की हमने बोतल ले ली है पानी की, बिसलेरी की, कुछ खाने का भी ले लेंगे। सो आज का हमारा हो जाएगा, किराया बचाएंगे ऑटो का, देखते हैं बचता है कि नहीं बचता है। बस बहुत देर में आती है, गर्मी बहुत पड़ रही है, और ये बरसों विलेज में घुसेंगे तो ये मसान देवी का मंदिर है। सो बस में हम बैठ चुके हैं, हमने लिया था अंधेरी तक का टिकट, हम राजकुमार उतरे, हमने अंधेरी तक का टिकट लिया था स्टेशन तक का, हमें बता रहा था स्टेशन पर उतारेंगे, हम ज़्यादा आगे आ गए हैं। गाइज हमने अंधेरी तक का टिकट लिया, हमें ये नहीं पता था कि वो बस सीधा अंधेरी स्टेशन पे उतारेगी, हमने ज़्यादा आगे का टिकट ले लिया गलती से, हमें पता नहीं है बस के बारे में इतना कुछ, और तो हम पीछे ही उतर गए। हमने जैसे पूछा कि इन्फिनिटी निकल गया है क्या, तो उन्होंने बोला कि वो तो काफ़ी पीछे निकल गया, एक डेढ़ किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पे। तो हमने कहा ये कौन सी जगह है, हमें तो यहीं पर उतार दो। तो सब लोग बोल रहे थे कि ये राजकुमार है, इस जगह का नाम राजकुमार है, तो हम यहीं पर उतर गए। और यहाँ पे इतना ट्रैफिक है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, यहाँ पे निकलने तक की जगह नहीं है रोड पे, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। फर्स्ट टाइम हमने इतना ट्रैफिक देखा मुंबई में, गाड़ियाँ चल रही हैं इतनी ज़्यादा। सो हम बैठ गए हैं ऑटो में, हम जा रहे हैं फन रिपब्लिक मॉल, लक्ष्मी इंडस्ट्रियल इस्टेट, और वहाँ पे काफ़ी सारे ऑफिसेस हैं, और भी कई ऑफिस हैं वहाँ पे, तो जाएंगे देखते हैं। एग्जाम लग गया है यहाँ, 1 किलोमीटर के रास्ते में 3-4 बार जाम लग गया। सो हम आ गए हैं फन रिपब्लिक मॉल के सामने, आ गया है, हमें इसके पास आना था, इसी के पास बताया कॉन्टिलोई प्रोडक्शन हाउस, तो हमें इसके आसपास सर्च करना है, ढूंढना है। ऑटो वाले भैया तो यहीं छोड़ के चले गए, अब हमें बाकी का काम खुद करना है। सो यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ कहीं कॉन्टिलोई प्रोडक्शन हाउस है क्या, इन्होंने बोल दिया है कि आप सीधे चलते रहिए और फिर उसके बाद में लेफ्ट मुड़ जाइए, फिर एक गली आएगी वहीं पर है, यशराज है, फिर उसके सामने एक और है, अभी हमें पता नहीं है ना, फर्स्ट टाइम पूछ के आ रहे हैं, कोई साथ भी नहीं है बताने के लिए, गूगल से निकाल के एड्रेस खुद ही घूम रहे हैं, तो हमें दिक्कत ज़्यादा हो रही है। कल हम इस एरिया में आए थे और इसे हम छोड़ गए हैं, कितना बुरा लग रहा है, इतने पैसे खर्च हो गए हमारे, बस में भी बैठे तो बस का भी नहीं पता था कैसे उतरना, क्या करना है, कौन से स्टॉप पर उतरना है, बस में भी किराया ज़्यादा ही दे दिया हमने, पर ऑटो से तो कम ही था। मैं इन अंकल से कॉन्टिलोई प्रोडक्शन के बारे में पूछ रही हूँ, तो इन्होंने बोला कि आगे एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से आगे ही कॉन्टिलोई प्रोडक्शन है। सो यही है वो बिल्डिंग, कल भी आए थे इसके लिए, आज हमें इतने धक्के खाने पड़े इसलिए हम कल भी आए थे। यहाँ पे गार्ड अंकल बोल रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्टिलोई प्रोडक्शन का हेड ऑफिस है, कास्टिंग का सारा काम ARC प्लाजा में होता है, तो इन्होंने हमें एड्रेस लिख के दे दिया है, हम वहीं पे जाएंगे। ये लोटस बिजनेस पार्क बिल्डिंग जो है इसमें नहीं होता है, उसकी कास्टिंग का काम कॉन्टिलोई का, आपको ARC प्लाजा में जाना पड़ेगा। ARC प्लाजा आपको थोड़ी सी दूर पड़ेगा, फिर भी ऑटो कर सकते हो या फिर पैदल जा सकते हो। हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं इसीलिए आज हम ऑटो कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी दूर भी काफ़ी भारी पड़ जाता है क्योंकि हमें और भी कई ऑफिस जाने ही रहते हैं। सो ये है ARC प्लाजा। गाइज हम घर से 12 बजे निकले थे और अभी 2 बज रहा है, इतनी हालत ख़राब हो गई है, बहुत गर्मी है। हम लिफ्ट से जा रहे हैं 5th फ्लोर पे,
सो गाइज ये है कोंटिलोई प्रोडक्शन हाउस और ये इनकी ईमेल लिखी हुई है, आप इस पर अपना प्रोफाइल सेंड कर देना। इन्होंने बोल दिया कि इंट्रो या ऑडिशन कुछ भी ऑफलाइन नहीं हो रहा, ऑनलाइन आप सेंड कर देना, तभी भी हमारे लैपटॉप पे ही आएगा अगर आप अभी अपना इंट्रो दोगे, और अगर आप ऑनलाइन भेजोगे तो भी लैपटॉप पे ही आएगा। इनका अभी एक सॉरी दो माइथो सीरियल चल रहे हैं, तो इन्होंने बोला है कि अपना माइथो ऑडिशन बना के सेंड करना इनकी ईमेल आईडी पे। फर्स्ट टाइम ऐसी लिफ्ट देखी है, डोर खोलो फिर इसके अंदर जाओ, अभी पता नहीं सही हम फिफ्थ फ्लोर पे हैं। आज थके नहीं, यहाँ पे कुछ रह, ये हमारा रह गया था नीचे जब हम ऊपर चले गए थे ना प्रोडक्शन हाउस में, तो अब आके उठाए हैं। अब देखेंगे हमें कहाँ जाना बना के लाते हैं कि हमें जाना कहाँ। निकलते ही हमें ऑटो मिल गया जल्दी, वरना काफ़ी पैदल चलना पड़ता है कभी कभी हमें। आज हम ऑटो का ही सहारा ले लेके जाएंगे हर जगह, जिधर से आए उधर ही वापस जा रहे हैं। प्लाजा सामने है यशराज, ये तीन जगह तो ज़रूर आना अगर आप इधर आइए। बालाजी टेली फिल्म है, ये तीन तो बिल्कुल आस पास ही पड़ते हैं एक जगह, और थोड़ी थोड़ी दूरी पे दो तीन और हैं, जैसे कि कोंटिलोई हो गया, एसएल विजन हो गया, ये भी आसपास ही है। और एक रिचा बिल्डिंग है, उसमें वो है फायर वर्क प्रोडक्शन हाउस है, वो भी आसपास ही है, ये छः सात आसपास पड़ते हैं। चौक हो गया था, ये है इसमें है एसएल विजन का प्रोडक्शन हाउस, एमसी डोंट फन रिपब्लिक मॉल है ये, इसके अंदर ही ऑफिस है जहाँ हम आए हैं जिस प्रोडक्शन हाउस। गाइज इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे सिर्फ शॉर्टलिस्टेड लोगों के ऑडिशन हो रहे हैं, आप सिर्फ ऑनलाइन सेंड कर देना इनकी ईमेल पे अपना प्रोफाइल। ये इनकी ईमेल है, इन्होंने दे दिया, आप अपना प्रोफाइल सेंड कर देना। हम यहीं से गए थे अभी, यहीं वापस आए 30 रुपये लगा के। हाँ अभी हम वहाँ पे बैठ के सोचेंगे कि अभी हमें कहाँ जाना है, क्योंकि हम 30 रुपये लगाए हैं, हमने वो बड़ा दुख रहे हैं, यहीं से गए थे बिल्कुल हम अभी। ये बाहर जाने का रास्ता है, जा रहे हैं हम। ऑटो वाले भैया को भी नहीं पता, कई ऑटो वाले भैया ने तो मना कर दिया कि हमें नहीं पता है, हम जा रहे हैं धर्मा प्रोडक्शन फन रिपब्लिक से, धर्मा प्रोडक्शन के लिए निकल गए गूगल के थ्रू, और ना ऑटो वाले भैया को पता है ना हमें पता है। ये है सुप्रीम चैम्बर्स बिल्डिंग, इसी के अंदर धर्मा प्रोडक्शन हाउस है। ये गार्ड अंकल मना कर रहे थे कि यहाँ पे ऑडिशन इंट्रो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है अंदर जाने के लिए, बट हमने बोला कि सिर्फ जीमेल ईमेल ऐसा कुछ तो हम ले आएंगे ना, तो फिर उन्होंने बोला एंट्री करके जाओ, तो अभी हम एंट्री करने के बाद में जा रहे हैं अंदर। फवारे चल रहे हैं,
इन्होंने ये दिया है और इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे ये ऑडिशन कुछ नहीं होते, मुकेश छाबरा से लेते हैं इंट्रोडक्शन या ऑडिशन जो भी आता होता है वो ये मुकेश छाबरा से लेते हैं, यहाँ पे कोई इंट्रो या ऑडिशन नहीं होगा। कार्ड इन्होंने दे दिया है। अब हम देख रहे हैं कि कौन सी जगह नेक्स्ट जाना है। ये ऑडिशन इंट्रोडक्शन कुछ भी नहीं होता है, ये बोल रहे हैं कि सब मुकेश छाबरा जी के यहाँ से लेते हैं ये लोग, वहाँ जाके ऑडिशन इंट्रो दो, यहाँ कुछ नहीं होता है। सुबह से भूखी है तनिष्का ने, कुछ नहीं खाया, 3:30 हो गए हैं, मैंने भी ध्यान नहीं किया कि इसे कुछ खिला दूं, इसने भी नहीं बताया। अभी हम जा रहे हैं शकुंतलम टेलीफिल्म्स प्रोडक्शन हाउस जो कि है दुर्गा बिल्डिंग में, वो भी यहीं कहीं आसपास है, बट फिर भी हम ऑटो लेंगे, गलियों की वजह से थक जाते हैं, थोड़ी दूर तो पड़ता ही है यार। दुर्गा बिल्डिंग 2nd फ्लोर पे जाना है हमें, शकुंतलम टेलीफिल्म्स ये है बिल्डिंग। गाइस यहाँ पे इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी कुछ भी नहीं दिया, इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे आते रहना पड़ेगा 10-15 दिन में, 20-25 दिन में, और चक्कर काटो तो हो, अगर कभी इंट्रोडक्शन ऑडिशन होंगे तो ले लेंगे। अभी हम जा रहे हैं हीरा पन्ना शॉपिंग सेंटर के अपोजिट है, लिमिटेड प्रोडक्शन हुई है ना, पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता ही है। स्माइल खो दी है हमने अपनी, हमने अपना सुकून खो दिया, बस रात की नींद तो नहीं हुई है, सुकून खो दिया है, स्माइल खो दी है, एनर्जी खो दी है। यहीं पे है बालाजी, तीसरी बार आए, ये कार हमें हर प्रोडक्ट में मिल रही है। ये है रिपब्लिक फन रिपब्लिक मॉल, अभी हम यहीं से गए हैं, पब्लिक मॉल के पास में ही था वो दुर्गा, हमें पता ही नहीं। ये फन रिपब्लिक मॉल है, ये है लोटस पेट्रोल पंप, बोधी ट्री प्रोडक्शन हाउस इसी के अंदर है। गाइज यहाँ पे भी इंट्रो ऑडिशन कुछ नहीं चल रहा, सब बंद है, इन्होंने अपनी ईमेल दे दी। गाइज हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था इसलिए आगे का व्लॉग हम शूट नहीं कर पाए, और इन्होंने अपनी ईमेल आईडी दी, ये ही आप नोट कर लेना और अपना प्रोफाइल सेंड कर देना। वैसे तो हम पावर बैंक रखते हैं, पावर बैंक से चार्जिंग पे लगा रखा था फ़ोन, बट फिर भी स्विच ऑफ हो गया, बिकॉज हम साथ के साथ व्लॉगिंग करते जाते, व्लॉग शूट करते जाते, तो हम साथ के साथ यूज़ कर रहे थे तो वो स्विच ऑफ हो गया। मैं आपको मिलूंगी सीधा घर। मैं बिल्कुल अभी घर पे आ चुकी हूँ, 5:30 बजने वाले, बस 5:30 बजने में 5 मिनट है, 5:25 टाइम हो रहा है, और आज हम गए 4-5 जगह, कल भी हम 3 या 4-5 जगह ही जाएंगे, हम अपना पूरा शेड्यूल बना लेते हैं पूरा दिन का कि हमें यहाँ यहाँ जाना है। सो इसी के साथ मैं अपना ये ब्लॉग खत्म करती हूँ, बाय बाय, सी यू माई नेक्स्ट ब्लॉग, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।